सच बात कहूँ तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, और मैंने चुलबुली जी को कहा भी था कि इन्हें घर ले जाएं, आखिरी वक्त अगर घर में शांति से गुजारें तो अच्छा है, लेकिन अब तो बात ही अलग है। अगर ये फिर से होश में आती हैं तो कुछ उम्मीद है, वरना डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है ना, उसके कारण सो गई है। फिक्र मत करो। माफ करना, आपका नाम ही नहीं पूछ पाई। चुलबुली। तुम्हारा? देविका। देवी की बेटी देविका, बहुत सुंदर। तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ ने रखा था। बातें करती थी आपसे? शुरू शुरू में बहुत करती थी, पर मैंने इन्हें घायल हालत में पाया था, और जब मैं इनसे हॉस्पिटल मिलने जाती थी तो मुझे बताती थी कि कैसे इनकी बेटी को किसी जग्गू ने पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। दिन भर सौ सौ बार भगवान से प्रार्थना करती थी कि बस कैसे भी इनकी बच्ची बच गई हो। मुझे माफ कर देना देविका, पता नहीं अपने जितने रचाने कहां तक पहुंच गया। मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ये तुम्हारे अलावा शादी किसी और से नहीं कर सकता। भले मुझे कुछ याद आए ना है, लेकिन मेरा दिल, ये दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुमसे वरुण, ऐसे शादी तोड़ के तुम क्या साबित करना चाहते थे? अगर शादी करनी नहीं थी तो ये सब नाटक क्यों किया? हाँ वरुण बेटा, क्यों तोड़ रहा है तू ये शादी? क्या कुछ नहीं किया हमारी बेटी ने, थारा इंतजार किया और थारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तू ऐसे ना कर सकता,